सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आपके आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई गलत है और आप ठीक कराना चाहते हैं आपके आधार कार्ड में, तो वो कैसे कराएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आए वीडियो पसंद तो यार ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं आई पसंद तो डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। और हो सके तो यह वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दोस्तों सबसे पहले जो है आपको नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर जाके आपको आधार डाटा अपडेट करेक्शन फॉर्म लेके आना होगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आपके आधार कार्ड में नेम से रिलेटेड गलती है तो टिक कर दीजिए, जेंडर से रिलेटेड गलती है तो टिक कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई गलती है तो टिक कर दीजिए, एड्रेस से रिलेटेड है तो टिक कर दीजिए, आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर डलवाना है तो टिक कर दीजिए, आपको कोई दूसरी ईमेल आईडी डलवानी है तो टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर के बाद दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों आपको सबसे पहले नेम डालना होगा। यहाँ जो है आपको सही वाला नेम डालना है, यदि आपके आधार कार्ड में गलत है और आपको सही करवाना है तो आप सही वाला नेम डालिए। उसके बाद जो है जेंडर चूज़ करिए, यदि दोस्तों डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड गलती है तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको सही वाला डालना है। फिर जो है आपको एड्रेस भरना है, यदि दोस्तों आपके एड्रेस में भी कोई गलती है तो आपको यहाँ एड्रेस सही वाला भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप नीचे आ जाइए। दोस्तों, आपको जो है आधार कार्ड में लगा हुआ मोबाइल नंबर चेंज करवाना है तो आपको यहाँ नया वाला मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद जो है दोस्तों, आपको ईमेल आईडी भी चेंज करनी है तो नई वाली ईमेल आईडी यहाँ डाल देनी है। और दोस्तों, एक बात बता दूँ कि आप जो नया वाला मोबाइल नंबर भरेंगे या नया वाला ईमेल आईडी भरेंगे उसका कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। यदि सिर्फ आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आपको जो है सिर्फ मोबाइल नंबर भर देनी है, ईमेल आईडी भर देनी है, यहाँ आपको आपका आधार नंबर भरना है, फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर पे टिक कर देना होगा और ईमेल आईडी पे टिक कर देना होगा, और यहाँ आपको सिग्नेचर करने होंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ आपको नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ डालना भी ज़रूरी होगा। और आप जो है आपके आधार कार्ड के साथ ले जाके आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को ठीक करवा सकते हो। का दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यदि दोस्तों आपके आधार कार्ड में नेम से रिलेटेड कोई गलती हो या डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई गलती हो या एड्रेस से रिलेटेड कोई गलती हो तो वहाँ आपको प्रूफ की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ जो है आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यदि आपके दोस्तों आधार कार्ड में नेम से रिलेटेड कोई गलती है तो जो आप प्रूफ देना चाह रहे हैं यहाँ आपको डालना होगा, जैसे वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसी तरीके से दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों आपके पास जो भी प्रूफ हो यहाँ आपको डाल देना है। उसी तरीके से दोस्तों प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ आपको जो है जैसे वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई सा भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यहाँ आपको डाल देना है। फिर यहाँ दोस्तों सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, आपको एनरोलमेंट सेंटर में ये फॉर्म जमा करा के उसकी जो आप प्रूफ देना चाह रहे हैं उसकी फोटोकॉपी साथ लगवा के आप आपके आधार कार्ड में जो भी गलती हो, चाहे नेम से रिलेटेड गलती हो, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड गलती हो या एड्रेस से रिलेटेड कोई गलती हो, तो आप जो है ईजिली ठीक आप करवा सकते हो। चाहे दोस्तों, अभी की वीडियो में मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी है, आपको इस वीडियो में पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि आपके कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उनका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।